दुईदिनिया पुरी गस्तरे आसुछंती देशर प्रथम नागरिक तथा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्री चैतन्य गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांतंकर 150तम जन्म जयंती उपलक्षे एक कार्यक्रम में जोगदेवाक आसुछंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तबे आमे सविशेष आलोचना करिवा भक्ति सिद्धांतंकर किभळी भाबे विचारधारा थिला एवं नीति कौन थिला आदर्श कौन थिला एवं किभळी भाबे लोकमानक द्वारा से आदृत होउथिले एवं राष्ट्रपतिंक कार्यक्रम श्री चैतन्य गौड़ीय मठरे कौन कौन रहिछि से विषय आमे सविशेष आलोचना करिवा आम सहित अछंती ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री चैतन्य गौड़ीय मठर भक्ति विचार विष्णु महाराज। महाराज आपको स्वागत करते हैं अर्गस न्यूज पर। हमारा दर्शक जानना चाहते हैं कि भक्ति सिद्धांत का क्या विचारधारा था, क्या नीति था, क्या आदर्श था। मैं अर्गस चैनल के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, इसको देखने वाले हैं, सभी का हरे कृष्ण बोलकर अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी को ये खुशी की खबर बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में सनातन धर्म के झंडे को ऊंचा करने वाले, पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म का प्रचार करने वाले श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां जन्म महोत्सव पूरा गौड़ीय समाज मनाने जा रहा है, जिसका शुभारंभ श्रील प्रभुपाद जी के जन्मस्थान जगन्नाथपुरी से हो रहा है, जिसमें कि हमारे देश के प्रथम नागरिक महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी विशेष रूप से यहाँ पर पधार रहे हैं। उनके जन्मस्थान पर 10:35 पर वो आएंगे और 12 बजे तक वो हमारे साथ प्रभुपाद जी के जो गण हैं, प्रभुपाद जी के जो कृपा पात्र हैं, उनके शिष्यों के साथ रहेंगे, जहाँ पर वे प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि, प्रभुपाद जी की आरती करेंगे। कह सकते हैं केवल सनातन धर्म या सनातन धर्म और वैष्णव धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करते थे प्रभुपाद जी ने। वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, आत्म धर्म, परमात्म धर्म, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। सनातन धर्म कहें या वैष्णव धर्म कहें, दोनों एक ही हैं। तो प्रभुपाद उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म की अलग जगाई, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का परम भक्त थे प्रभुपाद जी ने, तो इन चैतन्य जी के आदर्श में क्या अनुप्रेरित हुए थे प्रभुपाद जी ने? चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे श्री प्रभुपाद, क्योंकि उनके माता पिता चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा नाम है जिन्होंने राधा भाव का रसास्वादन को तो किया ही, साथ ही हमें ये जो हरिराम संकीर्तन आज हम अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने मंदिरों में, अपने प्रदेश में, अपने देश में या पूरे विश्व में जो हरिनाम संकीर्तन देखते हैं, ये संकीर्तन देन है चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु अगर धराधाम पर ना आते तो आज हमको कहीं पर भी हरिनाम संकीर्तन न देखने को मिलता। इसके अलावा आज हम वृंदावन जाते हैं, बरसाना जाते हैं, नंदगांव, लोहबन, तालबन, भद्रबन, भांडीरबन, ये सब 84 को ब्रजमंडल में जाते, ये पूरा का पूरा लुप्त हो गया। यहाँ तक कि राधा कुंड, श्याम कुंड, ये भी लुप्त हो गया था। ये जो पूरे ब्रजमंडल को प्रकाशित करना है, ये देन है चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के गणों की। तो चैतन्य महाप्रभु का जो क्रांतिकारी जो विचारधारा है, उससे बहुत प्रभावित हुए श्रील प्रभुपाद और उन्होंने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर कई क्रांतिकारी कदम लिए। ओडिशा के आप, ओडिशा में आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी के प्रचार प्रसार व्यापक मात्रा से हो रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट भी जान चुके हैं प्रभुपाद जी कौन है। जहाँ पर भी हम ओडिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पर युवा वर्ग बहुत हमारे साथ है। बुजुर्ग भी हैं पर युवा वर्ग भी है। हमारे यहाँ के जो चैतन्य गौड़ीय मठ पुरी के जो महाराज जी हैं, पूज्य बा सुद्धा देती महाराज, वो MBA फाइनेंस क्वालिफाइड है और ऐसे ऐसे लड़के बहुत हमारे प्रचार में सहायता कर रहे हैं। मेरी आखिरी सवाल है, 20 तारीख को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी यहाँ आ रहे हैं, तो प्रस्तुति क्या खत्म हो गया है? देखो जी, ये एक ऐसा है कि हमारा लगातार उनसे राष्ट्रपति भवन से संपर्क है। जो जो वो चेंजेस हमारे उसमें कर रहे हैं, हम उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है कि वो यहाँ पर आएंगे, उनका
संकीर्तन के साथ, शंख ध्वनि के साथ, पुष्प वृष्टि के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और उसके अलावा जो श्रद्धावली में जो स्टेज उसका काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आप शुणुते आम सहित थे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री चैतन्य गौड़ मठर भक्ति विचार विष्णु महाराज, जमीक सूचना दूसरे प्रतिक्रिया रखुते राष्ट्रपति जितेबाला श्री चैतन्य गौड़ मठ को आसवे समस्त प्रस्तुति गोटे प्रकार शेष हो भक्ति सिद्धांत कि भाव प्रचार प्रसार हो पार नीति आदर्श विचारधार समस्त किभली अनुप्राणित हो पारे से नहीं राज्य सरकार उद्यम करवा आवश्यक रही निहत भाव में समस्त अपेक्षा रही महामहिम राष्ट्रपति पूरी गस्त को। पूरी श्री चैतन्य गौड़ मठ परिसर भिडियो जल्दी सनातन आलोक सतोष अर्गस्ट।